हेलो फ्रेंड, मैं फिर से लाया हूँ एक नया वीडियो। स्टेट ऑफ मैटर का ये सेकंड वीडियो है। इसमें मैं लेटेंट ऑफ हीट, वेपर प्रेशर, सब लिमिटेशन, क्रिटिकल पॉइंट, यूटेक्टिक मिक्सचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एरोसॉल एंड इनहेलर्स के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ये फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का सेकंड लेक्चर है। तो इसमें पहले हम देख लेते हैं लेटेंट हीट के बारे में। द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए सॉलिड इनटू ए लिक्विड और वेपर और ए लिक्विड इनटू ए वेपर विथआउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। जब कोई सॉलिड है जब डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। लेटेंट हीट इज डिफाइंड एज द हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड व्हेन ए सब्सटेंस चेंज इट्स फिजिकल स्टेट कम्प्लीटली कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। मान लीजिए हमारा आइस है। आइस क्या हमारा एक सॉलिड है। सॉलिड आइस है हमारा। जब इसको एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मिलता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, मतलब वाटर में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। फिर जब हमारा जो वाटर है, लिक्विड है, एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर 100 डिग्री पे जब इसे हीट प्रोवाइड की जाती है, तो किसमें चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे, इवेपोराइजेशन बोलेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। अगर आप फ्लो चार्ट याद कर लेते हैं तो आपको लेटेंट हीट पता चल जाएगा। ज़्यादातर करिए कि एग्ज़ाम में फ्लो चार्ट से लिखिए, अच्छे नंबर मिलते हैं। फिर देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लेटेंट हीट। तो पहला हमारा लेटेंट हीट फ्यूजन, फिर सेकंड है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो पहले लेटेंट हीट फ्यूजन देख लेते हैं। जब कोई हमारा सॉलिड है, जब इसे हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो किसमें चेंज हो जाता है, लिक्विड में, तो इससे हम क्या बोल देते हैं, फ्यूजन बोल देते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन में देख लीजिए, लेटेंट हीट फ्यूजन इज द हीट एब्जॉर्ब व्हेन ए सॉलिड मेल्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब कोई सॉलिड है, जब उसे एक कांस्टेंट टेम्परेचर मिलता है, सॉलिड है, कांस्टेंट टेम्परेचर एब्जॉर्ब किया, तो उसमें किसमें चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया, तो उसे हम क्या बोल देंगे, फ्यूजन बोलेंगे। फिर सेकंड देखते हैं लेटेंट हीट वेपोराइजेशन। जब कोई वहाँ पे लिक्विड में चेंज हुआ था, उस लिक्विड को जब हीट देते हैं, एक कांस्टेंट हीट देते हैं, तो एक हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाता, तो उसे हम क्या बोल देंगे, वेपोराइजेशन बोलेंगे। यहाँ पे देख लीजिए डिफिनेशन में, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द हीट एब्जॉर्ब व्हेन ए लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर अगला टॉपिक देखते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर जो होता है, इन ए क्लोज कंटेनर व्हेन वी हीट एनी लिक्विड देन लिक्विड गिव वेपोराइज्ड एंड द प्रेशर क्रिएटेड बाई वेपर्स ऑन द लीनियर वॉल ऑफ कंटेनर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। मान लीजिए कोई एक क्लोज कंटेनर ले लिए, ये हमारा क्लोज कंटेनर है, इसमें क्या बोल लिक्विड है, लिक्विड इसके जो वेपोराइजेशन लिक्विड का होगा, सरफेस का खाली होगा, सरफेस जो है, इस पे सरफेस जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, यही वेपोराइजेशन होंगे, ठीक है। तो इसे हम इस प्रोसेस के क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। फिर एट द पॉइंट व्हेन द रेट ऑफ ई वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कंडेंसेशन ऑफ इक्विलिब्रियम द प्रेशर क्रिएटेड बाय वेपर ऑन द इनर वॉल ऑफ कंटेनर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। जो वेपर प्रेशर होता है,
इवेपोराइजेशन इक्विलिब्रियम होता है किसके, कंडेंसिएशन के। अब देख लेते हैं इवेपोराइजेशन और कंडेंसिएशन क्या होता है। अब ज़्यादातर कोशिश करिए कि फ्लो चार्ट में ही बताइए। जब जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड जब हमारा गैस के फॉर्म में हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन बोलेंगे। जब हमारा जो गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जब किसमें कन्वर्ट होंगे, लिक्विड में, तो उसे क्या बोलेंगे, कंडेंसिएशन। अब वेपर प्रेशर को मैं एक फ्लो चार्ट में बताता हूँ। यहाँ पे देखिए एक हमारा क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। जो लिक्विड का लिक्विड जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं, यही इसी का इवेपोराइजेशन होना है, क्योंकि इसी मॉलिक्यूल्स का इसलिए होगा क्योंकि ये हमारा सरफेस हो गया। ये वाला देखिए, यहाँ से इसको पकड़ा है, ऐसे पकड़ा खाली, यहाँ पे देखिए इधर से भी पकड़ा, इधर से भी मॉलिक्यूल्स अंदर वाला है पकड़ा है, इसलिए इसको देखिए सिर्फ यहीं से पकड़ा गया है, इसलिए इसी का इवेपोराइजेशन होता है। फिर वेपर कैन नॉट स्केप, एक क्लोज कंटेनर है इसलिए वेपर क्या होगा, स्केप नहीं होगा, बाहर नहीं जाएगा। तो लिक्विड जो है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। वेपर किसके इक्विलिब्रियम हो जाएगा, लिक्विड के, तो इसे हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। फिर देखते हैं सब लिमिटेशन क्रिटिकल पॉइंट के बारे में। जो सब लिमिटेशन होता है, जब कोई सॉलिड है डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, विथआउट कन्वर्ट इनटू किसके, लिक्विड में। जब कोई हमारा, ये मान लीजिए हमारा सॉलिड है, सॉलिड जब डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सब लिमिटेशन। मैं पहले इसको बता चुका हूँ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर में ही। यहाँ पे हमारा फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसमें सब लिमिटेशन क्रिटिकल पॉइंट, ट्रिपल फ्यूजन पॉइंट, वेपर, लिक्विड, सॉलिड, ये सब क्या होते हैं, इनको मैं बताता हूँ। पहले पहला है इन ट्रिपल फ्यूजन कर्व, ओ इज द पॉइंट वेयर ऑल फेज ऑफ मैटर आर इन इक्विलिब्रियम, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेपर वाला भी यहीं पे मिला है, लिक्विड वाला और सॉलिड वाला भी, इसलिए इसे तीनों स्टेट मैटर एक एक ही जगह मिले हैं, इसलिए ओ, जो ओ हमारा बिंदु है, उसको हम क्या बोल दिए, ट्रिपल फ्यूजन पॉइंट बोले हैं। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, लाइन ओ ए रिप्रेजेंट डैट व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर बाय डिक्रीज टेम्परेचर देन सबस्टेंस एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। यहाँ पे देख लीजिए, जो हमारा ओ ए पॉइंट है, जब इसमें टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और प्रेशर जो इंक्रीज करेगा, तो किस में एग्जिस्ट हो जाएगा, सबस्टेंस जो हमारा लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, लाइन ओ बी, ओ है यहाँ पे, बी है, ओ बी जो है रिप्रेजेंट करता है डेट द टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज, जब टेम्परेचर और जो प्रेशर है दोनों जब इंक्रीज कर देंगे, तो जो सबस्टेंस हमारा है एग्जिस्ट हो जाएगा किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। फिर यहाँ पे देखिए, जो लाइन ओ सी है प्रेजेंट करता है कि जब टेम्परेचर और प्रेशर जो दोनों जो डिक्रीज रहेंगे, तो सबस्टेंस जो हमारा है एग्जिस्ट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पे देखिए, एट रिड्यूस प्रेशर व्हेन बी सडनली इंक्रीज, जब प्रेशर है जो है, जब हम टेम्परेचर है सडनली इंक्रीज कर जाएगा, देन एनी सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस में, तो हम सॉलिड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच दिस सब लिमिटेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड सब लिमिटेशन क्रिटिकल पॉइंट। जहाँ पे जो सॉलिड है किसमें कन्वर्ट होगा, गैस में, तो उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, सब लिमिटेशन क्रिटिकल पॉइंट।
अब बात करते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर के बारे में। यूटेक्टिक मिक्सचर जो होता है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, यू टेकॉट से। यू का मतलब होता है गुड और टेकॉट्स का मतलब होता है मेल्टिंग, मतलब जो इजी क्या कर जाए, मेल्ट कर जाए, उसे हम बोलते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। यूटेक्टिक मिक्सचर का डिफिनेशन देख लेते हैं। टू कंपोनेंट सिस्टम इन विच बोथ द कंपोनेंट आर कंप्लीटली मिसविल इन लिक्विड फेज बट डू नॉट रिएक्ट केमिकली इज कॉल्ड यूटेक्टिक मिक्सचर। मान लीजिए एक कंटेनर ले लिए, एक कंटेनर है, इसमें हम लिक्विड ए ले लिए, इसमें लिक्विड बी, जब दोनों को एक साथ मिक्स करते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। बट जब इसे हम क्या करते हैं, कूल करते हैं, कूल करने के बाद ये क्या हो जाते हैं, दो सॉलिड में बदल जाते हैं। दो सॉलिड में जब इसे हम मिक्स करते हैं तो वे एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, तो इसे इसी को हम बोलते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर बोलते हैं। फिर इस ग्राफ को देख लीजिए। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बोथ सबस्टेंस एट विच सॉलिड मिक्सचर गेट लिक्विफाइड इज कॉल्ड यूटेक्टिक पॉइंट। यहाँ पे यूटेक्टिक पॉइंट दिया है। फिर हम देख लेते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, ह्यूमिडिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, मतलब जो वाटर का वेपर है टोटल, वह एयर में कितना प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज सेचुरेटेड एयर, मतलब रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर में और टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन सेचुरेटेड एयर में। तो इसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर अपॉन वाटर वेपर प्रेजेंट इन सेचुरेटेड एयर। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डिफाइन एज द रेशियो एक्चुअल वाटर वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सेचुरेटेड एयर। तो आर एच मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू एक्चुअल वाटर वेपर प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सेचुरेटेड एयर। जब इसे परसेंटेज में निकालते हैं, परसेंट आर एच इक्वल टू एक्चुअल वाटर वेपर प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सेचुरेटेड एयर मल्टीप्लाई 100। तो इसे परसेंटेज में हम निकाल लेते हैं। फिर आगे बात करते हैं एरोसॉल्स के बारे में। एरोसॉल्स इज डिफाइन एज ए सिस्टम दैट डिपेंड ऑन द पावर ऑफ कंप्रेस गैस और लिक्विफाइड गैस टू एक्सपेल द कंटेंट फ्रॉम द कंटेनर। जो एरोसॉल होता है, इसे हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। जैसे हमारा फॉग आता है, फॉग जैसे कंप्रेस करते हैं, फॉग हमारा एरोसॉल ही है। एरोसॉल का मतलब होता है एयर, एरो का मतलब होता है एयर और सॉल का मतलब होता है सॉल्यूशन। फार्मास्यूटिकल डिफिनेशन देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल एरोसॉल इज डिफाइंड एज एरोसॉल प्रोडक्ट कंटेनिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट डिजॉल्व सस्पेंडेड और एमल्सिफाइड इन प्रोपेलेंट और ए मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड प्रोपेलेंट एंड इंटेंडेड फॉर ओरल और टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। जो फार्मास्यूटिकल एरोसॉल्स होता है, उसको हम कैसे लेते हैं, ओरल से लेते हैं या टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेते हैं। एग्जाम्पल में आई हो गया, नोज, ईयर, रेक्टम एंड वेजाइना। जो इसका कैरेक्टर क्या होते हैं, पहला नॉन एलर्जिक ए होते हैं, इकोनॉमिक मतलब सस्ते होते हैं, इजली इसको हैंडलिंग किया जा सकता है, और नॉन ब्रेकएबल होते हैं और इको फ्रेंडली भी होते हैं। अब पार्ट्स ऑफ एरोसॉल्स को देख लीजिए। पहला हमारा है प्रोपेलेंट, फिर है कंटेनर, वॉल्व हो गया हमारा, प्रोडक्ट हो गया।
फिर लास्ट टॉपिक को देखते हैं, इनहेलर। एन इनहेलर इज मेडिकल डिवाइस यूज फॉर द डिलीवरी मेडिकेशन इन टू बॉडी विया द लंग्स। जो इनहेलर्स होते हैं डायरेक्टली लिए जाते हैं, जो लंग्स पे अपना जो वर्क होता है वो दिखाते हैं। जो इनहेलेशन होता है, जो एनी ड्रग और सॉल्यूशन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द नेजल और ओरल रिस्पायरेटरी रूट। जो इनहेलर्स होते हैं, अब दमा के पेशेंट को देखे होंगे, वे इनहेल करते हैं नेजल से या ओरल से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।